नमस्कार मित्रों, आज आप धोरण त्रण में पाठ छ वॉट इज धीस शू है आ आपने कहीं प्रश्न थाय के कोईपण वस्तु हो धारो कि प्रश्न पूछो कि आ शू है तो आप गुजराती में पूछी सकी कि आ शू है पर अंग्रेजी में कई रीते पूछा आज आप सीखवा तो वॉट इज धीस वॉट एट्ले शू वॉट एट्ले अंग्रेजी में कहवाय वॉट ने गुजराती में कहवाशे शू इज धीस आ शू है धारो कि आ तमने पहलू चित्र आपेलू है प्रश्न पूछेलो तो जवाब में शू हे धीस इज एन एलिफंट धीस है एने पहला मूकवा पची टू बी नु रूप एट्ले इज पची एलिफंट है एट्ले स्वर है एट्ले आग एन लखीशू और आ है एलिफंट एट्ले एलिफंट आ प्रश्न है आ आपणो जवाब है वॉट इज धीस धीस इज एन एलिफंट आ हाथी है बीजो प्रश्न आपेलू है चित्र आपेलू है पूछेलू है वॉट इज धीस आ शू है तो धीस इज अ बर्ड आ पक्षी है धीसनू धीस अँ धारो कि धेट आपेलू हो तो धेट अँ प्रश्नों में धीस के धेट आपेलू हो पहला मूकवा पची ईजनू ईज पची बर्ड है एट्ले बी एट व्यंजन एट आग अ मूकीशू और पची बर्ड बर्ड एट्ले कि पक्षी आ पक्षी है तीजा नंबर में एप्पलन आपेलू है चित्र और पूछेलू है वॉट इज धेट जो अँ पाछ धेट आपेलू है धीसनी जगह पेलू शू है आपने धेट ने धीस आपने खबर है आपणे सीखी गया गई वक्त कि धीस एटले आ अने धेट एटले पेलू दूरनी वस्तु माटे धेट वपराय अने नजीकनी वस्तु माटे धीस वपराय बराबर ने तो अहींया जो धेट छे तो जवाब में शू लखीशू पहला धेट इजनू इज एप्पल छे एटले ए आवशे एटले स्वर एटले एन एप्पल पेलू सफरजन छे धेट होय तो धेट इजनू इज एन एप्पल जे पण वस्तु होय एनो स्पेलिंग एप्पल पेलू सफरजन छे हवे आगळ छे चौथु चित्र तमे जोशो तो मंकी नु चित्र आपेलू छे एमां पण धेट आपेलू छे वॉट इज धेट पेलू शू छे तो तमने ख्याल आवी जशे के धेट छे तो धेट टू बी नु रूप एटले इज मंकी छे एम एटले व्यंजन छे एटले अ मंकी पेलो वांदरो छे वॉट इज धेट धेट इज अ मंकी पेलो वांदरो छे वस्तु पक्षी के प्राणी विशे जाणवा माटे वॉट एटले के शू वडे प्रश्न पूछाय छे तेनी साथे धीस अथवा धेटनो उपयोग थाय छे आपणे ऊपरना वाक्य जोई गया के दूर वस्तु होय तो धेट अने नजीकनी वस्तु होय तो धीस वपराय छे बराबर एना वडे प्रश्न सेना वडे पूछाय छे वॉट वॉट एटले के शू वडे प्रश्न पूछवामां आवे छे धीस अने धेटनी साथे टू बी नुं क्रियापदनुं वर्तमान कालनुं एक वचननुं रूप आपणे एक वस्तु तमे जुओ बधा